वी आर हाईली थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने फाइनली 32 साल के बाद ये परमिशन दी है और देखिए लोग कितने उबड़ के इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्र गुजार है, उन्होंने ऐसे सोचा क्योंकि ये जज्बात होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 34 ईयर से इस पे बैन आयद की गई। इट्स अ गुड थिंग दैट परमिशन वॉज गिवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स फॉर मोहर्रम प्रोसेशन ऑन 8th मोहर्रम, वी ऑल वेलकम दैट। Must give permission for Friday prayers in Jama Masjid. It's a good thing that permission was given after so many years for Mohram procession on 8th Mohram. We all welcome that and we hope that this is not a decision in isolation, because we have found that when it suits the government, they find it very easy to clamp down on religious freedom. You must give permission for Friday prayers in Jama Masjid every Friday. Why is it that you don't allow Eid prayers in Eidgah? There should be no stop on that. जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हम लोग पूरा कल मीटिंग लिए, सारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर मीटिंग लिए और पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए, 3000 सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक रहेगा, स्मूथली रहेगा। कि आज मुहर्रम का 8वां दिन है जो कि पिछले 30-32 साल से बैन था, और आज हम थैंक यू कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिन्होंने एटलीस्ट ये कंसिडर किया कि एक इमोशन है, एक मेजॉरिटी है यहाँ पे हम शिया पॉपुलेशन की, और यकीन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये ऑर्डर आया कल रात को तो लोगों को रात की नींदें उड़ चुकी थी और 6 बजे का टाइम था, लेकिन रात के 12-1 बजे से लोग आना शुरू कर चुके थे, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पे आए हैं और इमाम हुसैन के लिए यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं, और एक मैसेज है, जो मैसेज है पीस का, जो मैसेज है यूनिटी का, जो मैसेज है एक प्योर सैक्रिफाइस का, जो मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के जरिए हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। वी आर हाईली थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने फाइनली 32 साल के बाद ये परमिशन दी है और देखिए लोग कितने उबड़ के इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्र गुजार है, उन्होंने ऐसे सोचा क्योंकि ये जज्बात होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 34 ईयर से इस पे बैन आयद की गई है, और हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं ये जो जुलूस है ये पीसफुली और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये अच्छे से पीसफुली एंड होगा, और हम एश्योर करते हैं कि इंशाल्लाह आप ट्रस्ट कीजिए हम पे, इंशाल्लाह ये जो ये जुलूस है ये अच्छे से इख्तिताम पजीर हो जाएगा इंशाल्लाह, और हम लोगों से भी अपील करते हैं वो पीसफुली चले जाए और जुलूस में रहे, और जितना इन्होंने टाइम दिया है इफ़ इन केस रिलैक्सेशन भी टाइम में मिलेगी तो इट विल बी गुड फॉर अस।